बिहार में इस साल मॉनसून ने लोगों को निराश कर दिया है। बारिश की आस में बैठे लोगों को अब तक कोई राहत नहीं मिली है। 5 सितंबर तक मेघ गर्जन, बिजली चमकने या भारी वर्षा की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मॉनसून की इस बेरुखी ने मौसम वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस के पटेल बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी से एक्टिव होने वाला मौसमी सिस्टम की दिशा बदल गई है, इसी कारण बिहार में बारिश नहीं हो रही है। मॉनसून की रूठने की वजह यह है कि पहले जो मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता था वह बिहार के गंगा के मैदानी इलाकों से होकर गुजरता था, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों से यह सिस्टम मध्य भारत की ओर शिफ्ट हो गया है। यही वजह है कि बिहार में संतुलित वर्षा नहीं हो रही है। फिलहाल के पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से उत्तर पश्चिम दिशा में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। मॉनसून की द्रोणी रेखा अब सौराष्ट्र, शिवपुरी, अंबिकापुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रही है। इसका असर 30 अगस्त को दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में दिख सकता है, जहां तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर बिहार के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान है। इन मौसमी बदलावों के चलते तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है। वातावरण में नमी के कारण लोग वास्तविक तापमान से अधिक गर्मी का अनुभव करेंगे। आज बिहार का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मॉनसून की बेरुखी ने अब तक सामान्य से 25% कम वर्षा की है, जिससे राज्य के लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। बिहार में मॉनसून की स्थिति कमजोर बनी हुई है। 5 सितंबर तक राज्य में मेघ गर्जन, बिजली चमकने, ठनका गिरने या भारी वर्षा की संभावना कम है। हालांकि 30 अगस्त को दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हो सकती है। आगामी दिनों में मॉनसून की सक्रियता पर निर्भर करते हुए बारिश की स्थिति बदल सकती है। लोकल 18 के लिए पटना से सच्चिदानंद की रिपोर्ट।